प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के जो चुनाव होने हैं इसे लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में तो जुटी हुई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने अपने तय 65+ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम आपको बता दें कि विभिन्न संभागों में राष्ट्रीय लेवल के जो इनके नेता हैं, जो संगठन के बड़े नेता हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आदेश के बाद अनिल जैन जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो कल से बस्तर के प्रवास पर रहेंगे। कल से वो बस्तर जाएंगे, 3 दिन बस्तर में वो बिताएंगे। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, संगठन के लोगों के साथ बैठकें करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर के जो रणनीतियाँ बनाई गई हैं उन रणनीतियों पर कैसे कार्य किया जाए इसे लेकर मंथन होगा। उनके फीडबैक भी लिए जाएंगे, चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय संगठन सहमंत्री हैं, सहसंगठन मंत्री सौदान सिंह, वो जा रहे हैं बिलासपुर के दौरे पर। हम आपको बता दें कि बिलासपुर संभाग में वो 3 दिन बिताएंगे। उनके साथ जो प्रदेश के संगठन मंत्री है पवन साय, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी रहेंगे। वो भी लगातार मुंगेली से लेकर के रायगढ़ से लेकर के जो अलग अलग जिले आते हैं बिलासपुर संभाग में, सभी जिलों में जांजगीर चांपा हो सभी जगह संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में वो भी आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार करने का कार्य करेंगे। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी संभाग स्तर पर अपने दौरे कर रही है, जिसके बाद जिला स्तर पर भी ये दौरे होने हैं संगठन के। लगातार चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहें क्लिप्स.इन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।